नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में पहली ट्रेन चली थी उसके बारे में कुछ रोचक फैक्ट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, भारत में रेल को लेकर सर्वप्रथम 1844 में रेल संबंधित प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई थी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को 1847 में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके बाद रेल परियोजना में काफी तेजी से काम होने लगा। और दोस्तों, भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो कि 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। दोस्तों, ये ट्रेन अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी और दोस्तों इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी। और दोस्तों, भारत की जो पहली ट्रेन, इसको 34 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए भी 1 घंटा और 15 मिनट का समय लगा था। इस पहली रेल में करीब 400 यात्रियों ने सफर किया था और इसके अंदर 14 डिब्बों को जोड़ा गया था। और दोस्तों, भारत की पहली रेलगाड़ी के अंदर 3 इंजन लगाए गए थे, जिनका नाम था सिंध, मुल्तान और साहिब। और दोस्तों, पहली रेल को बाप इंजन के द्वारा ही चलाया गया था, यानी जो पहले इंजन थे वो बाप से ही चलते थे। और दोस्तों, इस रेल का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम मध्य रेलवे की ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे था। जिस समय इस ट्रेन को चलाया गया था उस समय हो रहा था 3:35। वर्तमान में दोस्तों, भारतीय रेलवे को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, वहीं एशिया में यह दूसरे नंबर पर आती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको भारत की पहली रेल के बारे में रोचक फैक्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।